CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये कार्यक्रम ईद उल फित्र। यूसुफ पापा द्वारा लिखित इस आलेख को प्रस्तुत कर रहे हैं अजीत गुप्ता। बाजी आदाब। जीती रहो बेटा, जीती रहो। बच्चों, तुम सबको ईद मुबारक। हमारी दुआएं हैं कि तुम सबको ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब हो। फलो फूलो और खुशियां मनाओ, अपने बुजुर्गों की और अपने मुल्क व कौम की खिदमत करना नसीब हो। तुम सब ऊंचा नाम कमाओ, यही हमारी तुम सबके लिए दिली दुआएं हैं। तो आओ बच्चों, आज हम सब मिलकर ईद मनाएं। ईद की खुशी में ये बच्चे कव्वाली गा रहे हैं। ईद क्या होती है बाजी, हमें बताओ ना। बच्चों, ईद एक त्योहार है। जैसे तुम होली का त्योहार मनाते हो, दिवाली का त्योहार मनाते हो, इसी तरह ईद भी एक त्योहार है। इस त्योहार का पूरा नाम ईद उल फित्र है। और जानते हो ये कब मनाई जाती है? कब मनाई जाती है ये तो हमें नहीं मालूम। रोजे पूरे होने के बाद। अब तुम पूछोगे कि रोजे क्या होते हैं, तो बताती हूँ। सुनो, व्रत तो तुम जानते ही हो, तुम्हारी माँ और दादी व्रत रखती हैं ना। हाँ। इसी व्रत को रोजा कहते हैं। पर जानते हो ये रोजे कब रखे जाते हैं? रमजान में। रमजान में? रमजान क्या होता है बाजी? जिस महीने में रोजे रखे जाते हैं उस महीने को रमजान कहते हैं। बाजी, क्या
आप भी रोजा रखते हैं? हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे मैं तो पूरा रोजा रखती हूँ। ये भी सुन लो कि रोजा रखने वाले सुबह होने से पहले कुछ थोड़ा सा खाते हैं। इस खाने को सहरी कहते हैं। मैं भी सहरी खाती हूँ। सुबह हुई और खाना बंद, पानी बंद, सूरज डूबने तक अपना रोजा चलता है। सूरज डूबते ही कुछ खाकर या पानी वानी पीकर रोजा खोल लेते हैं। वैसे रोजा खजूर से खोलो तो और भी अच्छा है। आप सुबह होने तक जो चाहो खाओ, मौज उड़ाओ। बाजी, क्या बच्चे भी रोजा रखते हैं? अरे रोजा बच्चों के लिए नहीं बेटा, ये रोजा बड़ों के लिए है। लेकिन तुम्हारा मुंह तो बराबर चलता रह सकता है। अरे तुम लोग क्यों घबराते हो? बेटा रोजा रखने के लिए सहरी खानी होती है और सहरी खाने के लिए सुबह से पहले उठना पड़ता है। सुबह तो सब लोग उठ नहीं पाते, इसीलिए सहरी के समय कुछ लोग जगाने आते हैं, सहरी का गीत गाते हैं। सहरी का गीत? सहरी का गीत भी होता है? हाँ सुनो। बच्चों जिस दिन रोजे पूरे होते हैं उसके दूसरे दिन सुबह को ईद होती है। बाजी ईद में क्या होता है? ईद में बड़े मजे होते हैं। घर घर सेवइयां पकती हैं, दही बड़े बनते हैं, अच्छी अच्छी खाने की चीजें बनती हैं। सब लोग खूब खाते हैं, खूब खाते हैं, दोस्तों को खिलाते हैं और बच्चों का तो कहना ही क्या, वे तो और ज्यादा खाते हैं। अपने घर खाते हैं, अपने साथियों के घर खाते हैं, सब मौज करते हैं। ईद तो बच्चों की ही होती है। उस दिन सब लोग नए नए अच्छे अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जैसे किसी बारात में जा रहे हों। ईद का दिन बारात से भी ज्यादा खुशी का दिन होता है। लोग ईदगाह जाते हैं, छोटे बड़े सभी ईदगाह जाते हैं। बाजी ये ईदगाह क्या होती है? गांव के बाहर जहां ईद की नमाज पढ़ी जाती है वही ईदगाह होती है। पहले ईदगाह में आजान दी जाती है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. آذان کے بعد سب لوگ وہاں اکٹھے ہونے لگتے ہیں، پھر سب نماز پڑھتے ہیں. نماز؟ باجی یہ نماز کیا ہوتی ہے؟ مسلمان بھائی اپنی پوجا کو نماز کہتے ہیں. عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے بعد سب لوگ اپنے گھر آتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ساتھیوں کے گھر جاتے ہیں، سوئیاں کھاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اور بچوں کی تو کچھ پوچھو ہی مت، وہ تو بہت ہی خوش ہوتے ہیں. چھوٹے اپنے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں. جانتے ہو یہ عیدی کیا ہے؟ ارے بھائی، عید کے دن بڑے اپنے چھوٹوں کو کچھ پیسے دیتے ہیں، وہی عیدی ہوتی ہے. تو باجی لاؤ عیدی دو. اچھا پہلے یہ تو بتاؤ کہ عیدی لے کر کیا کرو گے؟ میلے میں خرچ کریں گے. ارے ہاں، خوب یاد دلایا. عید کا بڑا اچھا میلہ لگتا ہے. میلہ عیدگاہ کے پاس لگتا ہے. میلے میں بہت دکانیں ہوتی ہیں، کھلونوں کی دکان، جھولے والے، بانسری والے، سب طرح طرح کی آوازیں نکالتے ہیں. کوئی کہتا ہے ڈھول ڈھلک کی کڑبڑ کڑبڑ، اور بانسری بڑی بھیڑ ہوتی ہے، بڑا شور ہوتا ہے. بچے ایک دکان سے دوسری پر، دوسری سے تیسری پر دوڑتے رہتے ہیں. کسی نے بانسری لی، کسی نے ڈھپلی خریدی، اور کسی نے لٹو لیا، کسی نے کچھ اور کوئی جھولا جھول رہا ہے. سب خوش ہے بھائی، سب خوش ہے. بچوں عید مبارک. عید کا دن ہے، خوشی مناؤ. 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 ادھر تو دیکھو بندر والا، सहयोग रमेश रानी शर्मा एवं वंदना निगम. प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत.